दोस्तों आज हम सीखेंगे async टास्क के बारे में। async टास्क होता क्या है, इसका यूज हम कैसे करेंगे और ये कहां पे इम्प्लीमेंट करना होगा, इसके बारे में हम लोग पूरे डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं, अगर आपको डायनेमिक ऐप बनाना है, कोई भी ऐप आपको डायनेमिक बनाना है, तो उसके लिए आपको async टास्क की जरूरत पड़ेगी। async टास्क एक क्लास है जिसका यूज हम लोग करते हैं लॉन्ग रनिंग ऑपरेशन के लिए। ये एक वर्कर थ्रेड देता है हमें और इसका हम लोग यूज करते हैं अगर हम लोग को एप्लीकेशन में सर्वर से डेटा लाना है और अपना एप्लीकेशन में शो करना है, तो उसके लिए हमें एक सेपरेट थ्रेड की जरूरत पड़ती है। तो async टास्क क्या होता है ना, कि अगर आपको सर्वर से लाने से लेके अपने यूआई में, मतलब अपने जो यूजर इंटरफेस में दिखाने तक का काम कंप्लीट सब कुछ कर देता है। इसके चार मेथड होते हैं, ऑन प्री एग्जीक्यूट, डू इन बैकग्राउंड, ऑन प्रोग्रेस अपडेट और ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखता होगा, ये एक लाइफ साइकिल फॉलो करता है। जब भी हम लोग कॉल करते हैं तो सबसे पहले ऑन प्री एग्जीक्यूट कॉल होता है, उसके बाद डू इन बैकग्राउंड होता है। और अगर आप कुछ चाहते हैं कि हम अपने डू इन बैकग्राउंड से लेके कुछ भी ऐसा चीज, जैसे हम कुछ डाउनलोड करते हैं और उसका नंबर कुछ शो करवाते हैं यूजर को कि कितना परसेंट डाउनलोड हुआ, ऑन प्रोग्रेस अपडेट के हेल्प से यूज करते हैं, उसको दिखाते हैं। और फाइनली जब हमारा डेटा पूरी तरह से हम लोग फेच कर लेते हैं, सर्वर से लेके आ जाते हैं, तो हम लोग ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट में हम लोग वो डेटा को सेंड कर देते हैं। और ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट से आपको अगर दिखाना है तो आप दिखा सकते हैं, और नहीं तो डेटा सेव करना है तो सेव कर सकते हैं। अब मैं इसका एक लाइव एग्जाम्पल दिखा रहा हूं आपको, ठीक है, वो देखिए आप। मैंने एक पहले से प्रोग्राम करके रखा हुआ है, यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाया है, जैसे ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जैसे एक मेन एक्टिविटी है। यहाँ पे आपको दिखता होगा async टास्क रनर एक क्लास है और मैंने एक्सटेंड किया है async टास्क को, और इसके तीन पैरामीटर है, ठीक है, ये तीन पैरामीटर होते हैं। अब यहाँ पे देखो, डू इन बैकग्राउंड एक मेथड है, एक ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट मेथड है और एक ऑन प्री एग्जीक्यूट है और एक ऑन प्रोग्रेस अपडेट है। तो ऑन प्री एग्जीक्यूट में क्या होता है, कभी कभी हम लोग डेटा जो सर्वर से लेके आते हैं, तो उस बीच में हम लोग कभी देखते होंगे, आप खुद एप्लीकेशन में देखते होंगे कि आपका एप्लीकेशन में कुछ लोडर जो है घूमते रहता है, तो वो काम यहाँ पे हो जाता है। वो लोडर हम लोग ऑन प्री एग्जीक्यूट में स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद हमारा कॉल जो है डू इन बैकग्राउंड में चला जाता है। और डू इन बैकग्राउंड में क्या होता है, यहाँ पे काम होता है सर्वर से डेटा लेके आना। तो यहाँ पे मैं एक सिंपल सा भी थ्रेड लिखा हूँ, एक थ्रेड डॉट स्लीप करके मैं कुछ टाइम के लिए रोक दिया हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अभी मैं वो चीज नहीं आपको बता रहा हूँ कि डेटा कैसे लाया जाता सर्वर से, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो फिलहाल के लिए आप समझ जाइए कि इन डू इन बैकग्राउंड में जो ये मैं दिखा रहा हूँ, ये इतना कोड नहीं रहेगा, उसकी जगह आपका वो कोड रहेगा जिससे आप डेटा सर्वर से लेके आ सकते हैं। तो ये डू इन बैकग्राउंड का काम हो गया। उसके बाद यहाँ से जैसे ही काम खत्म होता है, वो आ जाता है ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट में, यहाँ पे रिजल्ट में हमें रिजल्ट मिल जाता है। और यहाँ से हम लोग जो करना है, हम लोग अपना डेटा को दिखाना है, जो भी करना है हम यहाँ से दिखा सकते हैं। तो ये async टास्क का एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, ठीक है। और async टास्क को कॉल करने का देखिए यहाँ पे तरीका है, जैसे यहाँ पे एक बटन लिया गया है और सेट ऑन क्लिक लिसनर, जैसे हम क्लिक करते हैं, ठीक है, ये async टास्क का मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया और उसको रनर मीन्स उस ऑब्जेक्ट डॉट एग्जीक्यूट मेथड हम लोग जब भी करते हैं तो ये हमारा async टास्क स्टार्ट हो जाता है। और जब तक हमारा टास्क खत्म नहीं होता है, जब तक हमारा सर्वर से डेटा पूरी तरह से नहीं आता है। तो ये आप पूरे अच्छी तरह से देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। मैं आपको हो सकता है ये कोड भी शेयर कर दूंगा, ठीक है, ये सैंपल कोड शेयर कर दूंगा। और आपको अगर इससे कुछ भी रिलेटेड कुछ भी ऐसा डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि ये इतना इजी नहीं होता है ये सारी चीजें, ठीक है। आपको बहुत कुछ सीखना होगा कि थ्रेड होता क्या है, ठीक है, एंड्रॉयड में थ्रेड क्या है। एंड्रॉयड में दो तरह का थ्रेड होता है, जैसे बहुत सारे थ्रेड होते हैं, एक तो यूआई थ्रेड होता है, जो एंड्रॉयड हम लोग रन करते हैं ना, तो एक थ्रेड हमेशा रन करते रहता है, वो एंड्रॉयड का खुद का थ्रेड है, उस थ्रेड को हम लोग रोक नहीं सकते हैं, मीन्स उस थ्रेड को हम लोग डायरेक्टली 10 सेकंड के लिए स्टॉप नहीं कर सकते हैं। अगर वो करेंगे तो हमारा एप्लीकेशन क्रैश कर जाएगा, हमारा मोबाइल में
एक फोर्स क्लोज आपको मैसेज शो कर जाएगा। इसीलिए हम लोग जब भी कोई डेटा हम लोग का लॉन्ग रनिंग ऑपरेशन होता है, सर्वर डेटा लाना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक सेपरेट थ्रेड ले लेते हैं। तो एसिंक टास्क उसका बहुत बड़ा एग्जांपल है और बहुत अच्छा यूज होता है। जो भी डाउट होता है आप कमेंट कीजिए, और इस चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इस तरह का वीडियो हमेशा डालते रहता हूँ। और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय।